हेलो गाइस, आई एम कुणाल पंड्राम। आई एम हियर टू टॉट यू बायोकेमिस्ट्री टॉपिक लैब सेफ्टी, एथिक्स एंड हैंडलिंग। इस सेशन में हम कई सारी नई नई चीज़ें पढ़ने वाले हैं और फिर कई चीज़ें आप जानते होंगे। लेबोरेटरी में हम वर्क करते हैं तो उसमें उसके वर्क करने के लिए बहुत सारे एथिक्स होते हैं, और जिसमें लेबोरेटरी क्योंकि वो मैनेज करने के लिए उसमें कई सेफ्टी भी रखी जाती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, कई सारे उसमें मशीन्स होती है लेबोरेटरीज़ में, और उस मशीन को हैंडल किस तरह करना है और हैंडल करने के लिए वर्कर्स को किस तरीके से मोटिव करना है, तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट मैं शेयर करना चाहूँगा आप सभी के साथ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर मानते थे कि ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू से इन स्लीप, ड्रीम्स इज नॉट व्हाट यू से इन स्लीप, ड्रीम्स इज द थिंग विच डजंट लेट यू स्लीप। उनका कहना था कि ड्रीम्स वो नहीं जो आप सपनों में देखते हैं, ड्रीम्स वो नहीं जो आप सपनों में देखते हैं, ड्रीम्स तो वो है जो आपको सोने ही नहीं देते हैं। और इसी के साथ हम सेशन को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। व्हाट डू मीन बाय बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज बोथ लाइफ साइंस एंड अ केमिकल साइंस। It explores the chemistry of living organisms and the molecular basis of the changes occurring in living cells it uses in the living cells. Biochemistry actually में life science भी है और chemical science भी है। Biochemistry में हम explore करते हैं कई सारी chemistry, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कई सारी केमिस्ट्री, जिसमें हम पढ़ते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिस्ट्री, जैसे कई सारी प्रोसेसेस, केमिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस और कई सारे प्रोसेसेस इसमें हम आगे पढ़ेंगे। इट यूजेस द मेथड्स ऑफ केमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री की ही मेथड यूज की जाती है। Biochemistry has become the foundation for understanding all biological processes. Biochemistry actually में एक foundation बन चुका है, जिसमें कि हम biological processes के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। It has provided explanations for the causes of many diseases in humans, animals and plants. और biochemistry जो है, ये हमें एक explanation provide करता है। ऐसा explanation जिसमें कि जो ह्यूमन, प्लांट्स और साथ ही साथ एनिमल्स में अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसका एक्सप्लेनेशन रखने के लिए हम बायोकेमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। सो बायोकेमिस्ट्री लैब तो आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके से उस बायोकेमिस्ट्री लैब दिखता है, जिसमें कई सारी मशीन्स वगैरह रखी गई है, आप देख सकते हैं। सो हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज लैब। लैब एक्चुअली में एक बिल्डिंग होती है या फिर एक रूम कहा जाए, जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट रखे होते हैं और उन इक्विपमेंट को साइंटिफिक रिसर्च या फिर टीचिंग प्रैक्टिकल साइंस के तौर पे यूज किया जाता है। इट इज़ अ वर्क प्लेस फॉर द कंडक्ट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। लैब एक तरीके का वर्क प्लेस है, एक जगह है जहां पे हम साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेफ्टी की। हमने पढ़ा कि लैब क्या होता है, अब लैब में सेफ्टी, अब हम सेफ्टी की बात करते हैं कि सेफ्टी क्या होती है। सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सर्टन दैट एडवर्स इफेक्ट्स विल नॉट बी कॉज्ड बाय सम एजेंट अंडर डिफाइंड कंडीशंस। सेफ्टी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी एजेंट जो है वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके, उसे सेफ्टी कहा जाता है। द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ, फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी।
ऐसी कंडीशन जिसमें कि हम सेफ रहे, जैसे कि डेंजर से हम फ्री रहे, हमें कोई खतरा ना हो, हमें कोई रिस्क ना हो, या फिर कोई इंजरी ना हो उस काम को करने से, तो उसे सेफ्टी कहा जाता है। सो हमने सेफ्टी की बात करी, तो अब देखते हैं कि लैब सेफ्टी क्या होती है, क्योंकि हम लैब में ही काम करते हैं, तो फिर लैब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। लैब सेफ्टी इज टू मेक सर्टन दैट नो एनी एडवर्स इफेक्ट्स विल बी कॉज बाय एनी ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड और एजेंट इन द लेबोरेटरी। लैब सेफ्टी एक्चुअली ऐसा इफेक्ट है जिसमें कि कोई भी हैजार्ड या फिर कोई भी एजेंट हमें इफेक्ट ना करे, क्योंकि हम कई सारे एजेंट्स का यूज करते हैं, हम कई सारे एजेंट्स को जानने की हम डायग्नोस करते हैं, उन्हें जानने की इच्छुक रहते हैं कि आखिर क्या डिजीज है, इस डिजीज के पीछे क्या रीजन है, कौन सा पैथोजन हो सकता है, फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, आखिर सिम्टम्स क्या नज़र आ रहे हैं। सो इन सब चीज़ों को पता करने के लिए लैब सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। लैब सेफ्टी प्रोसीजर मेक श्योर दैट द इंडिविजुअल्स इन द लेबोरेटरी कैन वर्क सेफली विद फ्रीडम फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। लैब सेफ्टी एक प्रोसीजर होती है जिसमें कि किसी एक इंडिविजुअल जो लैब में काम कर रहा है, वो सब सेफ रहे, डेंजर से मुक्त रहे, उसे कोई रिस्क ना हो और साथ ही साथ कोई इंजरी ना हो, नुकसान ना हो। सो व्हाई डज इट मैटर, आखिर लैब सेफ्टी क्या मायने रखता है? सेफ वर्किंग प्रोटेक्ट्स यू, सही तरीके का काम आपको बचाएगा और आपके साथ बाकी जो अदर लैब वर्कर्स हैं, आपके साथ जो आपके मेंबर्स हैं, साथ वाले कलीग्स, उन्हें बचाएगा, और फिर उस लेबोरेटरी में क्लीनर्स जो काम करते हैं उन्हें बचाएगा, और जो आने वाले पेशेंट्स हैं और उनके साथ विजिटर्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, उन्हें सेफ रखेगा, और साथ ही साथ आपके काम को सेफ रखेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट। तब आप सही मायने में एक टेक्नोलॉजिस्ट या टेक्नीशियन कहलाते हो। कुछ पर्सनल हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे दिए गए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। हैंड शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर हैंडलिंग द सैंपल। सबसे पहला पॉइंट, हैंड कभी भी सैंपल को रन करने से पहले और रन करने के बाद हमेशा हैंड वॉश का ध्यान रखना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड, वॉकिंग बेयरफुट ऑन द लेबोरेटरी शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। नंगे पाँव जाना लेबोरेटरी में, नंगे पाँव इधर इधर अपने काम को देखना है, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। Eating chewing gums, drinking, smoking and applying cosmetic is also strictly prohibited. Laboratory में काम करते करते आपका chewing gum खाना या फिर उसी microorganism वाले pathogens के साथ ही उसी environment में आपका पानी पीना, उसी environment में smoke करना या फिर कोई भी cosmetic का use करना, ये सब बहुत dangerous हो सकता है। सो इसलिए इन सबको अवॉइड करें। अवॉइड वियरिंग ज्वेलरी इन द वर्किंग एरिया, सबसे इम्पॉर्टेंट है। गर्ल्स जो खासकर फीमेल्स होती हैं वो ज्वेलरी वगैरह पहन लेती है और फिर ज्वेलरी पहन के या काम करती है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है उनके लिए, इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अवॉइड करें इन सब चीज़ों को, पर्टिकुलरली जैसे पेंडेंट हो गया, नेकलेस हो गया, ब्रेसलेट हो गया, इन सब चीजों को। माउथ पिपेटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अब माउथ पिपेटिंग की बात करें तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड कर दिया गया है। वैसे माइक्रो पिपेट नहीं आया था जब तक हम माउथ पिपेटिंग की हेल्प से
सैंपल को इधर से उधर ट्रांसफ़र करते थे, पर अब विद एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास माइक्रो पीपिट आ गया है, सो माउथ पीपिटिंग का यूज़ कभी ना करें। पर्सनल इक्विपमेंट शुड नॉट बी कैप्ट ऑन द वर्किंग बेंच। कभी भी आप जहाँ पर अपना काम करते हैं वहाँ पे कभी भी अपने पर्सनल इक्विपमेंट्स का यूज़ ना करें और वहाँ पे ना रखें, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते वहाँ पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो। इसलिए वर्किंग एरिया शुड बी डिसइंफेक्टेड बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द वर्क। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जहाँ पे अपना काम करते हो वहाँ का एरिया एकदम साफ स्वच्छ होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसे पूरी तरीके से डिसइंफेक्ट करें। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करके, डिसइंफेक्टेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर स्प्रिट हो गया या फिर किसी भी चीज़ का, आप डिसइंफेक्टेंट में किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, सक्सेस। हम कई बार सुनते हैं सक्सेस, जिसका मीनिंग आप लोगों को पता है, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। सक्सेस में पहला वर्ड है एस, जिसका मीनिंग है सी योर गोल। आपका जो गोल है, आपने जो अपने माइंड में बना के रखा है, आपने अपने लिए सपने सजा के रखे हैं, सिर्फ उसी गोल पे कॉन्सेंट्रेट करो। दूसरा है यू, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। अब दूसरी बात, आप जो सपने देखते हो उसके बीच में, ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि कोई ना कोई बाधा उसमें आएगी, कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आपका रास्ता रोकेगा। सो उस ऑब्स्टेकल को समझो, उससे पीछे मत भागो, उस ऑब्स्टेकल को समझो कि आखिर ये बाधा को किस तरीके से आप पार कर सकते हो। सी, थर्ड सी, विच मीन्स क्रिएट अ पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। थर्ड, हमेशा अपने माइंड में एक पॉजिटिव मेंटल पिक्चर बना के चलो हमेशा, क्योंकि आपके माइंड में जब तक पॉजिटिविटी बनी रहेगी तब तक आप अपने ड्रीम्स से दूर नहीं हो, आप धीरे धीरे करके अपनी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हो। नाउ फोर्थ सी, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सेल्फ डाउट कभी भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर। अगर आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करोगे और फिर खुद पे ही डाउट करने लगोगे तो फिर आप चूक सकते हो अपने ड्रीम्स से। इसलिए कभी भी सेल्फ डाउट मत करना, उसे क्लियर करो। देन ई, एम्ब्रेस द चैलेंज। जो भी चैलेंजेस आते हैं उसका सामना करो, पीछे मत हटो। ठीक है, बिलीव रखो कि मैं कर सकता हूँ। स्टे ऑन ट्रैक, अपने ट्रैक से बिल्कुल मत हटो। आपने जो सोचा है, छोटे छोटे टारगेट बनाए, उसको अचीव करते जाओ। अगर आप फेल होते हो तो मत सोचो, उस पॉइंट को हटा के दूसरा कोई छोटा टारगेट वापस से ले लो और फिर वापस से ट्राई करो। होगा, एक बार नहीं दो बार नहीं पर होगा। देन शो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। देन लास्ट फॉर्मूला, लास्ट स्टेप, बता दो दुनिया को कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। बस फिर आपका गोल पूरा हुआ, नाउ दूसरे चैलेंज के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ सेशंस आगे कंटिन्यू रखते हैं। नाउ बेसिक इक्विपमेंट्स यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री लैबोरेटरी। कई सारे बेसिक इक्विपमेंट हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूजेस, वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, देन फ्लेम फोटोमीटर, माइक्रो पीपेट, ऑटो एनालाइजर, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ये सब कॉमन है, ये हर लैबोरेटरी में देखा गया है, हर जगह आप देख सकते हैं। वैसे सेंट्रीफ्यूज के बारे में बात करें तो सेंट्रीफ्यूज तो मशीन जो है, इट इज़ अ सेपरेशन टेक्निक यूज्ड इन क्लिनिकल रिसर्च लैबोरेटरीज। सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ एक्चुअली सेपरेशन टेक्निक के लिए किया जाता है,
ये क्लिनिकल रिसर्च लेबोरेटरीज में आप आराम से देख सकते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आपने फिजिक्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ये उसी पे बेस्ड है। इसके थ्री टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज हैंड सेंट्रीफ्यूज, सेकेंड इज मोटर ड्राइवन सेंट्रीफ्यूज एंड थर्ड इज माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज। वैसे सबसे पुराने मशीन जो है वो हैंड सेंट्रीफ्यूज है, इसे सबसे पहले यूज़ किया जाता था। देन फिर एडवांस टेक्नोलॉजी है, चेंजेस मेनी थिंग्स, सो अब हमारे पास माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज है, उसका यूज़ किया जाता है। देन सेकेंड इज वाटर बाथ, ये भी आप सभी ने देखा होगा। वाटर बाथ एक्चुअली इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है और एंड हैज़ अ थर्मोस्टेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर। इस थर्मोस्टेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर होता है इसमें, जो आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं आराम से। टेम्परेचर इसका रूम टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन की बात करें तो इसे वाइडली यूज़ किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक, ड्राई हीट में स्टरलाइजेशन के लिए यह बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाला मशीन है, उपयोग किए जाने वाला मशीन है। होल्डिंग पीरियड जिसका 160 डिग्री सेल्सियस होता है फॉर 1 आवर। देन इट इज़ यूज टू स्टरलाइज अब्स, फोर्सेप्स को स्टरलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्लासवेयर हो गया या ग्लास सिरिंजेस हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को स्टरलाइज किया जाता है। कैलोरी मीटर की बात करें तो इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ कलर सब्सटेंस इन सॉल्यूशन। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि कलर्ड सब्सटेंस के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ कलर। ओके, माइक्रो पिपेट की बात करें तो पिपेट इज अ लेबोरेटरी टूल कॉमनली यूज इन केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन टू ट्रांसपोर्ट अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कोई भी लिक्विड हो उसका वॉल्यूम मेजर करना है तो उसके लिए हम पिपेट का यूज़ करेंगे, भले वो बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो या कोई भी मेडिसिन रिलेटेड लेबोरेटरीज हो, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट अ नैरो ट्यूब इनटू विच फ्लूइड इज ड्रॉन। ये एक्चुअली एक नैरो ट्यूब कंसिस्ट करता है अपने साथ जिसमें कि हम फ्लूइड लेते हैं। कुछ बायोकेमिकल टेस्ट, कुछ नहीं, सारे बायोकेमिकल टेस्ट जो कि यहाँ पे हम करते हैं जनरली, तो वो सब बताया गया है। अब ग्लूकोज एस्टिमेशन सबसे इम्पोर्टेंट, देन आरएफटी टेस्ट जिसे रीनल फंक्शन टेस्ट कहा जाता है, इसमें हम यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, यूरिक एसिड लेवल्स जान सकते हैं। और एलएफटी टेस्ट में, लीवर फंक्शन टेस्ट में हम बिलीरुबिन चेक करते हैं, देन प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, जीपीटी, जीओटी, एएलपी, आप इनके फुल फॉर्म देख सकते हैं। और लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो हम इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसरॉल, देन ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल, देन एसडीएल, एलडीएल, ये सब टेस्ट करते हैं। देन थायराइड, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच, टी4, टी3, इन सब का टेस्ट किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में। कार्डियक पैनल टेस्ट की बात करें तो ट्रोपोनिन, सीकेएमपी टेस्ट, एलडीएच जिसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज कहा जाता है, देन मायोग्लोबिन। सो इसी के साथ सेशन अब फिनिश करते हैं और जाते जाते हम एक और मोटिवेशनल थॉट देखते हैं। Your aim is yours, so don't change it for others, but your character is not yours, so change it for others. आपका सपना आपका है, so आप अपने सपने को मत बदलो, और आपका character आपका नहीं है, so आप अपने character को बदल दो दूसरों के लिए। आप अपने सपने नहीं बदल सकते हो, अपने characters को जरूर बदल सकते हो ताकि आप दूसरों को पसंद आओ, वो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करें। सो इसी के साथ सेशन ओवर करते हैं। आई होप
आप सभी को बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में और सिंपल भी लगा होगा काफ़ी। सो थैंक यू गाइस, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।